जियोसी आज डे टेन है आपको पता ही है ये डे इसलिए लिखते रहते हैं ताकि एक आइडिया लगा रहे कहाँ चल रहे हैं कितने दिन में खत्म हो रही है चीजें है ना तो देखो गुड मॉर्निंग वर्तिका देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे पहले हमारा है रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट वाला होता है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड वाला हमारा चल रहा था बेसिकली आई और आइसोमेरिज्म, ठीक है नेक्स्ट वाला है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और ये रिएजेंट है ना ये हम लोग कर रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म फर्दर फोर टाइप्स की है आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कर रहे हैं पहले हमने किया था फिजन और बॉन्ड जो कि दो थे एक होमोलिटिक फिजन था जिससे रेडिकल्स बन रहे थे एक हाइड्रोलिटिक फिजन था जिससे कि बन रहे थे अब हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कितने टाइप का होता था टू टाइप का होता था बेसिकली एक को बोलते थे परमानेंट परमानेंट इफेक्ट परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एक को बोलते थे टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट तो जो अपने पास परमानेंट होता था वो थ्री टाइप का होता था जिसको हम लोग बोल रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट हमने इंडक्टिव इफेक्ट कर लिया है हाइपर कॉन्जुगेशन कर लिया आज हम लोग कर रहे हैं रेजोनेंस और कल हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट जिससे क्या होगा हमारा जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का पोर्सन है वो खत्म हो जाएगा फिर हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन ठीक है तो अभी हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद आप लोगों को आज मैं सिखाता हूं रेजोनेंस रेजोनेंस कैसे करना होता है किस तरीके से मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है ठीक है तो चलो कॉपी पेन पेंसिल निकाल लो और इसमें मेरे साथ लिखते रहो हां अभी आपको अभी आपको पंद्रह से बीस मिनट कुछ समझ में नहीं आने का हाँ बीस मिनट बाद सारे बच्चों को समझ में आएगा कि अच्छा रेजोनेंस ऐसे होता था और फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले रेजोनेंस पे तो जो भी क्वेश्चन आए होंगे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ठीक है तो एक बार उसके करेक्टिस्टिक्स पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या है चलिए देखिए रेजोनेंस तो इसके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर वन इन दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है वो हम लोग थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन करते रहिए ना इन दी रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर ऑल दी आइटम्स ऑल दी आइटम्स आर रिमेन सेम बट अरेंजमेंट ऑफ electrons are different देखिए क्या होता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसमें कभी भी एटम की शिफ्टिंग नहीं होती है ध्यान रखना एटम जो जैसा है वैसा ही बना रहता है तो बेसिकली फिर किसकी शिफ्टिंग होती है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है रेजोनेंस में हमेशा है ना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं ना कि एटम्स क्योंकि आपको पता है ये किसका टाइप है ये परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का टाइप है तो जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होते थे तो रेजोनेटिंग आर में आपको क्या देखना है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखनी है ना कि फ्टिंग ऑफ एटम्स जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मान लो इस तरीके से हम करें ठीक है ये आ गया अब आप लोग देख पा रहे हो यहां पे? क्या हुआ है यहां पे एटम की शिफ्टिंग हुई है एक एटम जो है तो कहने का मतलब क्या हुआ यहां पे एटम की शिफ्टिंग हो गई है और जबकि आर एस में हम क्या देखते हैं एटम की शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होनी चाहिए ठीक है तो दिस इज नॉट रेजोनेंस गुड मॉर्निंग चलिए देखिए दूसरा वाला जो पॉइंट है दूसरे वाले पॉइंट में इन दी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन दी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट कंफर्म मस्ट कंफर्म दी स्ट्रक्चर अब देखो लुइस क्या कहते थे पता है लुइस कहते थे कि भाई कार्बन की फोर वैलेंसी है तो उसको फोर बॉन्ड कंप्लीट करना चाहिए ऑक्सीजन की टू है तो उसको टू बाउंड कंप्लीट करना चाहिए मान लो अगर कहीं पर टू के अलावा थ्री लिखा हुआ है तो आपको प्लस लिखना पड़ेगा यानी कि उसके जो ऑक्टेट रूल है उसको मस्ट कंफर्म करना पड़ेगा ठीक है तो कार्बन की कितनी बेसिकली बॉन्ड होते हैं फोर तो उसको फोर बॉन्ड ही करने होते हैं ना तो इन दी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यानी कि जब हम आर बना रहे मस्ट कन्फर्म दुईस स्ट्रक्चर मीन्स मींस कार्बन नेवर बी पेंटावेलेंट कार्बन कभी भी ऐसा नहीं है अगर हम आर एस बना रहे हैं रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कार्बन को हमने फाइव कर दिया मतलब फाइव बॉन्ड लगा दिए ऐसा नहीं होगा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर वो मानी जाएगी जिसमें कि फोर बॉन्ड लगे हुए हैं या मान लो फाइव भी है तो उस उसमें प्लस लगा हुआ है लुइस ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है कुछ देर बाद समझ में आएंगे पॉइंट लेकिन अभी आप लिखते रहो ठीक है इन दी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट कंफर्म दी लुइस ऑक्टेट स्ट्रक्चर लिख रहे हो ठीक है नहीं तो ऑब्लिक लगा करके एक लुइस ऑक्टेट और लिख लो लुइस ऑक्टेट ठीक है नेक्स्ट वाला देखिए तीसरा वाला पॉइंट लाइक चार्जेस लाइक चार्जेस शुड बी मैक्सिमम डिस्टेंस अब देखो अगर हम आर एस बना रहे हैं रेजुलेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो जो लाइक चार्जेस हैं लाइक चार्जेस कैसे होते हैं सेम चार्जेस तो सेम चार्जेस कैसे होने चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए है ना लाइक चार्जेस शुड बी रिसाइड मैक्सिमम डिस्टेंस दूर दूर होने चाहिए लाइक like चार्जेस जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई आर एस हमें ऐसे बनी हुई है ठीक है मान लेते हैं एक बार के लिए कि भाई आर एस हमारे पास कुछ ऐसे बनी हुई है ठीक है तो आपको पता है लीस्ट स्टेबल कौन सी होने वाली है इसमें लीस्ट स्टेबल कौन सी होगी गुड मॉर्निंग नेहा गुड मॉर्निंग ठीक है चलो इनको कर रहे हैं हम लोग रेजोनेंस को रेजोनेंस के कुछ पॉइंट लिखने हैं अभी आपको 10 से 15 मिनट बाद समझ में आएंगी चीजें है ना तो थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश तो करता जाऊंगा बीच बीच में आपको समझाने के लिए लेकिन थोड़ा सा इसमें लिखना है उसके बाद समझ में आएगी हाँ डेफिनेटली समझ में आ जाएंगी चीजें कि किस तरीके से हम रेजोनेंस निकालते हैं या करते हैं उसमें बेस्ड क्वेश्चन अब जैसे देखो मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ी बहुत लेकिन अभी ऐसे कुछ बच्चों को तो पहले से ही आती होगी कुछ बच्चों को और समझ में आएगी बाद में आएगी तो इसमें लिखा हुआ पॉइंट लाइक चार्जेस शुड बी रिसाइड मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि मान लो दो सेम चार्जेस से, हैं आप देख रहे हो ये दो सेम चार्जेस से, हैं ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए तो मान लीजिए अगर हम तीनों आर एस को देखेंगे तो सबसे जो अनस्टेबल मानी जाएगी इस केस में अभी फिलहाल के लिए तो, तो उसमें ये लीस्ट स्टेबल होगी क्यों होगी क्योंकि जो इसमें सेम चार्जेस से, है वो पास पास रखे हुए हैं ना सेम चार्जेस मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं और फोर्थ वाला पॉइंट है चार सेपरेशन चार सेपरेशन बी लो तो जो चार्ज का सेपरेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए लो कम होना चाहिए ना यानी कि जब चार सेपरेशन की हम लोग बात करते हैं तो चार सेपरेशन मतलब अपोजिट चार्ज की बात करते हैं तो अपोजिट चार्जेस कैसे होने चाहिए पास पास होने चाहिए ना चार सेपरेशन शुड बी लो मींस अपोजिट चार्जेस जो होते हैं इसका मतलब हुआ कि जो अपोजिट चार्जेस हैं वो मिनिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए कम डिस्टेंस पे होने चाहिए लो डिस्टेंस पे होने चाहिए है ना ये वाला है तो देखो नेक्स्ट वाला अपने पास पॉइंट है चार सेपरेशन दी चार सेपरेशन ऐसे लिख लेते हैं दी चार सेपरेशन जब चार सेपरेशन हो रहा है ना दी चार सेपरेशन और मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स नेगेटिव चार्ज सुड रेसाइड नेगेटिव चार्ज सुड रिसाइड नेगेटिव चार्ज कहां पर होना चाहिए नेगेटिव चार्ज सुड रिसाइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम वाइल पॉजिटिव चार्ज शुड बी लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम यानी कि यानी कि जो चार्ज का सेपरेशन होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज आए और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आए वही जो है कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोली जाएगी जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस ठीक है अब देखो मान लो मैंने इसको ऐसे किया तो यहां पे क्या होगा कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव या फिर ये ऐसे भी हो सकता था जैसे मान लो ऐसे घूम गया तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे इसको इस केस में होता है कुछ इस तरीके से अब बताओ कौन सा वाला सही है इन दोनों में से कौन सा वाला सही है कौन बच्चा बताएगा बताओ जल्दी से जल्दी टाइप करो इन दोनों में से कौन सा सही है गुड मॉर्निंग नीतीश नहीं है हा? हाँ जी कौन सा वाला सही होगा सेकंड अच्छा 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 यहाँ पे कन्फ्यूजन में आ रहे हो आप लोग समझ गया मैं क्योंकि मैंने नंबर नहीं किया इसलिए अब बताओ कौन सा वाला होगा इन दोनों में से कौन सा वाला सही होगा ये सेकंड माना जाएगा वो फर्स्ट माना जाएगा तो बताओ कौन सा सही है फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल एकदम से सही है क्योंकि देखो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव होना चाहिए और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर कैसा होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए ठीक है इस बात का ध्यान रखना है एक चीज और देखो जैसे मान लो क्या होता है कई बार आपने नाम सुना होगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स अब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स किसको बोलते हैं हम लोग जो कैनोनिकल हो, स्ट्रक्चर्स जो होती है जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होती है उसको हम मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मानते हैं ध्यान रखना है ना यानी कि स्ट्रक्चर्स तो कई सारी होंगी लेकिन जो उसमें जो मोर कंट्रीब्यूट करे उसको बोलते हैं कई बार कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब देखो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से ध्यान रखना जो रेजोनेंस है रेजोनेंस क्या एक इमेजनरी है बट जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो एक्चुअली में एक्चुअल स्ट्रक्चर मानी जाती है ना तो रेजोनेंस इज अ अमेजनरी स्ट्रक्चर रेजोनेंस इज अ अमेजनरी बट रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर ठीक है ये ध्यान रखना है जो रेजोनेंस है हमारे पास रेजोनेंस इज द इमेजनरी बट जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है वो कैसी होती है बेसिकली रियल स्ट्रक्चर्स होती है एक चीज और बताता हूं आपको मैं कि जो रेजोनेंस है वो क्योंकि मॉलिक्यूल में खुद ही होती रहती है इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस ठीक है तो रेजोनेंस इज द मॉलिक्यूलर रेजोनेंस इज द इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस क्योंकि पता है एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर होती रहती है अब कोई बच्चा कहेगा सर बनती तो कई सारी हैं बनती कई सारी हैं बट सिंगल मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है ना ये ध्यान रखना रेजोनेंस इन्वॉल्व डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस रेजोनेंस पे पे पाई जाती है? कहां पे होती है? होती दोनों में होता था सिग्मा एंड पी में होता था सिग्मा एंड पाई में होता था ऐसे रेजोनेंस जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिलोकलाइजेशन जो होता है उसके बीच में पाया जाता है रेजुनेस अब देखो एक चीज होती है रेजोनेंस एनर्जी ये क्या होती है बेसिकली द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड अब कोई बच्चा कहेगा सर ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है जो जहां पे डिलोकलाइजेशन हो जाता है ना लास्ट में डॉट 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 ऐसे करके लिखा होता है कराएंगे अभी आपको उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ठीक है तो बताओ रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है रेजोनेंस एनर्जी होती है द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजुनेंस हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एनर्जी रेजुनेंस एनर्जी ठीक है नेक्स्ट वाला देखिए रेजुनेंस डिक्रीज इज रेजुनेंस डिक्रीज इज दोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ दॉलिक्यूल तो जो रेजोनेंस है वो क्या करेगी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगी रेजोनेंस डिक्रीज रेजोनेंस्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दॉलिक्यूल ठीक है ये ध्यान रखना है तो ओवरऑल कैसे चेक करना है कि जो हमारे पास स्टेबिलिटी है है ना मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इनवर्सली प्रपोर्शनल होती है जबकि रेजोनेंस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ध्यान रखना इस पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेबिलिटी है जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है मॉलिक्यूल की तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी बट रेजोनेंस एनर्जी बढ़ रही है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो देखिए ये ट्वेल्व पॉइंट हैं एक आध पॉइंट और लिखा रहा हूं लेकिन थोड़ा सा एक बार और समझिए इनको देखो पूरे वीडियो को ढंग से देखिएगा तभी आपको क्वेश्चंस होंगे अगर नहीं देखा आपने नहीं इनके करेक्टरिस्टिक्स को समझा तो प्रॉब्लम आएगी फिर क्वेश्चन में है ना तो ये ध्यान रखिएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आइटम शिफ्ट नहीं होते हैं केवल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होती है उसमें लुइस ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है कभी भी कार्बन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता है नेक्स्ट चार्ज सेपरेशन जो होता है लाइक uh, चार्जेस like मतलब जो सेम चार्जेस है वो मैग्जिम डिस्टेंस पे होने चाहिए जो अपोजिट चार्जेस हैं वो कम डिस्टेंस पे होने चाहिए और जो नेगेटिव है नेगेटिव किस पे होना चाहिए मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव पे होना चाहिए और जो पॉजिटिव है वो किस पे होना चाहिए लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव पे होना चाहिए ठीक है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स किसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और जो रेजोनेंस है वो क्या इमेजनरी है और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो एक एक्चुअल स्ट्रक्चर मानी जाती है रेजोनेंस क्या है बेसिकली एक इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस है रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है आपको पता होना चाहिए रेजोनेंस क्या करती है पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करती है और रेजोनेंस एनर्जी को बढ़ाती है ये 12 पॉइंट है अभी एक दो और करते हैं कुछ बच्चे अभी जगह नहीं है चाय जो है बिस्तर में मांग रहे थे जल्दी आ जाओ चौंप्रास सारे बच्चे खाएं बता रहे थे कि चौंप्रास से दिमाग चलता है दिमाग चलता है तो उसको जरूर चलाओ कैसे भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं है चौंपरास जरूर खाओ नेक्स्ट देखिएगा थर्टीन पॉइंट क्या है टू इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स टू इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट resonating structures makes more contribution. कहीं कहीं पे ये वर्ड काम में लाया जाएगा यानी कि मान लीजिए कहीं पर दो आर एस बन रही हैं जबकि उनमें जो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है वो 50-50 परसेंट -50 हो, 50 -50 हो रहा है तो वो ज्यादा है मॉलिक्यूल स्टेबल होगा लेकिन उसके बावजूद भी एक कॉन्सेप्ट और होता है कि मान लीजिए अगर कोई मॉलिक्यूल्स में दो आर एस बन रही है तो इक्विवेलेंट बन रही है तो वो भी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन उसका माना जाता है गुड मॉर्निंग सो वागे और को देखो है अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक थोड़ा सा समझाता हूं मैं आप लोगों को ये एसिटेट आइन से मान लो ठीक है अब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों होगा क्योंकि जो ये चार सेपरेशन इधर 50 परसेंट हुआ ऐसे ही 50 परसेंट इधर होगा ठीक है ये आपको ध्यान रखना है तो 50 50 परसेंट मतलब ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मानी जाएगी ठीक है ये ध्यान रखना है अब थर्टीन पॉइंट हो गए थर्टीन एक और बढ़ा देते हैं रेजोनेंस मेक्स मोर कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ड्स रेजुनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ज्यादा होता है समझ रहे हो ना ये चीज है हाँ रेजोनेंस एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है एनर्जी डिफरेंस होता है किसका एनर्जी डिफरेंस होता है बताओ वो तो आपको गिवन होगा कि ये मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है इसकी एनर्जी इतनी है रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी इतनी है बताओ रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी तो आपको ये फॉर्मूला अगर पता है तभी आप उसमें से माइनस कर सकते हो फार्मूला नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम आएगी या कई बार दे देगा है ना तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि अच्छा रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा है मतलब मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा ऐसा नहीं है पोटेंशियल एनर्जी की बात चल रही है यहाँ पे है ना पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी कम होगी बट रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ठीक है चीज ध्यान रखनी है अब ये हमारे पास क्या हो गए? सारे के सारे कैरेक्ट्रिस्टिक्स हो गए जो रेजोनेंस में पाए जाते हैं अब हम लोग करने वाले हैं कि रेजोनेंस कहां पर होगी यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ दी रेजोनेंस चेक करेंगे फिर हमारा जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करें मॉलिक्यूल्स के अंदर वो पॉइंट रहेगा ठीक है अभी तो हमने कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम बताएंगे बाद में कि अच्छा ये पॉइंट भी और जो स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर रहे हैं हम लोग उसमें डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं ठीक है तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस रेजोनेंस को देखें कि पे रेजोनेंस होती है तो देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस

जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए आप लोग यहां पर सिंगल बॉन्ड उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन मतलब इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये कुछ ऐसे भी लिखा हुआ है ध्यान रखना है ना अब आप देखो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी सीख रहे हैं हम लोग क्या रेजोनेंस होगा बिल्कुल होगा कैसे अब ये डबल बॉन्ड आना चाहिए यहां सिंगल बॉन्ड आना चाहिए लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ साथ पॉजिटिव दिखाओ तो देखो इसको अगर हम ऐसे करें मतलब बात एक ही है घुमाओ एक ही बात है तो जो नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर होगी वो कुछ ऐसे होगी इसको बोलते हैं रेजोनेस, बात समझ हो ना और ये डबल एरो हेड होता है ध्यान रखना दोनों तरफ से एरो लगता है मतलब कुछ ऐसे है ठीक है, ये रेजोनेंस है अब देखिए डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज यानी डबल बॉन्ड आ रहा है फिर एक कार्बन छोड़ के सिंगल बॉन्ड आ रहा है उस पर पॉजिटिव आ रहा है दूसरा डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे है. अब देखो रेजोनेंस कैसे बना है भाई इसको आप ऐसे शिफ्ट करो इसको आप ऐसे शिफ्ट करा दो तो अगली वाली जो आर एस होने वाली है वो कुछ ऐसे हो जाएगी इसको बोलते हैं रेजोनेंस, तो रेजोनेंस कहां पे हो सकता है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज अगला वाला पॉइंट लिखिएगा डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ जाता है तो वहां पर भी रेजोनेंस होती है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस आप लोग देख रहे हो कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं पता है देखो जैसे डबल बॉन्ड ये आ रहा है फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है फिर डबल बॉन्ड आ रहा है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है ना नाइट्रोजन की तो ये यूं खींचेगा इसके ऑक्सीजन की ज्यादा है तो यूं खींचेगा तो अगली वाली जो आ रही है अगली वाली क्योंकि देखो जहां से एरोहेड जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए सिखा रहा हूं जहां से एरोहेड जाता है वहां पर पॉजिटिव जहां पर जाता है वहां नेगेटिव अब यहां पर क्या हुआ है यहां पर डबल बॉन्ड हो गया है देखो इस तरीके से हुआ है ठीक है और यहां पॉजिटिव आ गया है और इस तरीके से नेक्स्ट वाली जो आर है वो कुछ ऐसे होगी यहां पे लाइए यहां पे पॉजिटिव यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और इस तरीके से ठीक है अगली वाली जो आर है इसको यहां लाइए खींच करके तो जो हमारे पास बॉन्ड है वो कुछ ऐसे आ गया ठीक है अगला वाला देखो कैसे हो रहा है ये मॉलिक्यूल को इधर लाओ इसको इधर ले जाओ तो अगली वाली जो आ रही से वो कुछ हमारे पास ऐसे हो गई तो आपने देखा कि देखो रेजोनेंस में क्या होता है मान लो ये दो बॉन्ड सामने हैं अब इधर खिसक के आ गए होंगे इधर आ गए नहीं तो क्या होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग चलती रहती है ठीक है इसको बोलते हैं अच्छा जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट था डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल तो आपने देखा ये डबल बॉन्ड है फिर सिंगल है, फिर सिंगल है है डबल तो यहां पर भी रेजोनेंस हो सकती है नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला पॉइंट डबल बॉन्ड जिसको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं डबल बॉन्ड <laughs> इजिन कॉन्जुगेशन डबल डबलड इज कॉन्जुगेशन बेद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको आप लोग क्या बोलते हो बताओ फी रेडिकल्स जिसको आप लोग बोलते हो फी रेडिकल्स तो हमारे पास डबल बॉन्ड जो है मान लो फी रेडिकल के कांटेक्ट में आ गया तो वहां पर भी रेजोनेंस हो जाएगी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देख रहे हो ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो अब ये जो बॉन्ड टूटेगा वो कैसे टूटेगा होमोलिटिक फिजन के थ्रू तो देखो ऐसे करके है ना फिसहुक बॉन्ड के थ्रू टूटेगा तो एक फी रेडिकल एक फी रेडिकल मिलकर के आगे रेजोनेंस के थ्रू डबल बॉन्ड बना लेंगे और यहां पे बनाएंगे फी रेडिकल तो इसको बोलते हैं बेसिकली रेजोनेंस। तो रेजोनेंस किसके थ्रू हो रहा है बताओ रेजोनेंस हो सकता है अपना फी रेडिकल के थ्रू अगली फिफ्थ पॉसिबिलिटी क्या होती है डबल बॉन्ड इटिन कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड ज इन कॉन्जुगेशन बेद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो अब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली मॉलिक्यूल्स में ये लॉन पेयर है ना ये क्लोरीन पे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको थ्री लॉन पेयर बोलते हैं अब ये लॉन पे इलेक्ट्रॉन इधर खिंच के आएगा तो यहां पे इधर शिफ्ट हो जाएगा तो देखो लॉन पे इलेक्ट्रॉन किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं कंजुगेशन मतलब डबल बॉन्ड के में तो अगली आर जो होने वाली है वो क्या होगी हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी तो यहां डबल बॉन्ड इस तरीके से नेगेटिव या भी बोल सकते हो ना इस तरीके से तो ये हट जाएगा हमारा क्योंकि टूट गया है बॉन्ड इस तरीके से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अब देखो लॉन पेयर को इधर शिफ्ट कराओ इसको यहां कराओ तो अगली आर एस जो होने वाली है वो क्या हो जाएगी हमारे पास लाइक like दिस ठीक है अब देखो कई बार क्या है लोन पेयर को यहां लिख देते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है वो आपको पता ही है इधर शिफ्ट करो इसको इधर शिफ्ट करो तो अगली वाली जो आर एस होने वाली है हमारे पास कुछ ऐसे होगी ये यह यहां शिफ्ट हो गया ये यह यहां पे है ये यह यहां है नेगेटिव चार्ज और कुछ इस तरीके से ठीक है अगली वाली देखो इसको यहां शिफ्ट कराओ इसको अगली वाले में करा दो तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास लाइक दिस इस तरीके से होने वाली वो पहले की तरह आ जाएगी मतलब तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की क्या है पॉसिबिलिटी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो देखो कितनी पॉसिबिलिटी की है हमने कहां, कहां पे रेजोनेंस हो सकता है रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज वहां पे हो सकता है दूसरा है डबल बॉन्ड इज इन नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के में रहता है तीसरी पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड उसके साथ हो सकता है अगली वाली पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड रेडिकल्स के कॉन्टेक्ट में आ सकता है ठीक है अगला वाला क्या है डबल बॉन्ड लोन पेयर के कॉन्टेक्ट में आ सकता है वहां पर हो सकती है नेक्स्ट और करते हैं एक और जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है ना इस तरीके से तो देखो अब मान लो कि लॉन पेयर पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में आ रहा तो यहां रेजोनेंस हो जाएगी तो अगली वाली जो आरएस बनाओगे इसको इधर शिफ्ट कर दो तो यहां पे कुछ ऐसे हो जाएगा इसको भी रेजोनेंस ही बोलेंगे ध्यान रखना ठीक है इस तरीके से मतलब लोन पेयर अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज के कॉन्टेक्ट में आ गया तो वहां पर भी रेजोनेंस होगी जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है अब इसमें आर एस होगी नहीं होगी बिल्कुल हो जाएगी क्योंकि देखो ऐसे करके हो जाएगी ये लॉन पेयर ना इधर की तरफ आ जाएंगे तो यहां पे इस तरीके से हो जाएगी ठीक है तो आपने देखा रेजोनेंस और कैसे कैसे पॉसिबिलिटी होती है उसकी इस तरीके से आपको ध्यान रखना है देखो यहां पर भी हो जाएगी क्यों क्योंकि इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर आएंगे तो इस तरीके से हो जाएगी अब क्योंकि ऑक्सीजन पे ट्रपल बॉन्ड हो नहीं सकते तो उस पर पॉजिटिव आएगा लुईस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए तो हमने क्या देखा लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज के साथ भी आ सकता है आ, नहीं लॉन पेयर के साथ करेंगे ना नेगेटिव चार्ज नहीं करते लॉन पेयर का मतलब खुद में नेगेटिव चार्ज के साथ नहीं आएगा लॉन पेयर वो ऐसे आएगा जैसे मान लो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे लेता हूं जो आप पूछना चाह रहे हैं वो ये वाला है अब देखो जैसे मान लो डबल बॉन्ड के कांटेक्ट में या तो नेगेटिव चार्ज आएगा या फिर लोन पेयर आएगा ऐसा कभी नहीं होगा कि लॉन्ग पेयर के साथ नेगेटिव आए क्योंकि लॉन्ग पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है और नेगेटिव चार्ज का मतलब भी एक्सेस में है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है है ना पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जैसे मान लो या नेगेटिव चार्ज आ रहा है या यहाँ पे लॉन्ग पेयर होता मान लो यहां पे एनएच होता लॉन्ग पेयर सहित तो उधर उसको शिफ्ट कर देते उधर शिफ्ट हो जाता ठीक है ये पॉसिबिलिटी है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि नेगेटिव आ रहा है फिर लॉन्ग पेयर आ रहा है वो वाला है क्योंकि वो दोनों एक्सेस में चले जाएंगे ना बेसिकली ये है सॉरी oh तो देखो हमने क्या चीज खत्म कर ली आपको पता है हमारी खत्म हो गई क्या चीज खत्म हो गई एक तो हो गई उसके करैक्टेरिस्टिक्स दूसरा हो गया पॉसिबिलिटी कि हम लोग पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं तो हम लोग पॉसिबिलिटी ऐसे चेक करते हैं ठीक है अब अच्छा फिफ्थ पॉइंट में चलो मैं फिफ्थ पॉइंट बता देता हूं आपको देखो फिफ्थ पॉइंट देखो एक बार फिफ्थ अच्छा, अच्छ, पॉइंट तो जैसे मान लो हमने ये जो लोन पेयर खींचा था ना उसको या अब ये डबल बॉन्ड बना रहा है अब ये जो नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है तो मैंने आपको बोला जैसी बॉन्ड टूट रहा है ना इस बॉन्ड को आप या तो नेगेटिव साइन करके लिख दीजिए अब नेगेटिव साइन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर दो तो कुछ बुक्स में मतलब ऐसा करके लिखा होता है कि नेगेटिव चार्ज पे दो इलेक्ट्रॉन उसने कर कि भैया ये लॉन्ड पेयर नहीं है ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेसिकली है ना वो वाला है समझ में आया नहीं आया हा जी क्लियर हुआ नहीं हुआ अब देखो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दी रेजोनेंस ये रेजोनेंस का लास्ट पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग हम लोग मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं विच वन इज द मोर स्टेबल एंड वाई इन कॉन्सेप्टों को लगा के तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दी रेजुनेंस डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द रेजुनेंस और ये वाला पॉइंट लास्ट पॉइंट है अगर किसी बच्चे को दोनों पॉइंट बिल्कुल समझ में आ रहे हैं तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा समझ में आएगा इस वाले पॉइंट के थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं थोड़ा सा तो आज देख रहे हैं उसके बाद कल मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाला हूं और वो आप आसानी से कर पाओगे क्योंकि आपने ऊपर के दो पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से लिख भी रखे हैं और उनको समझना भी आपने कर दिया है मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है तो देखो इसमें क्या होता है सबसे पहले कैसे चेक करें सबसे पहले एलिफेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं नंबर ऑफ कोवल एंड बॉन्ड ठीक है सबसे पहले आपने क्या चेक करना है नंबर ऑफ कोवल एंड बॉन्ड ध्यान रखना नंबर ऑफ कोवल एंड बॉन्ड इंक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस अब ये कैसे पॉइंट आउट आएंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग करने वाले हैं लेकिन अभी थोड़ा सा और लिख लीजिए आप ताकि हम नेक्स्ट में क्वेश्चन करें तो आप आसानी से उनको बना सके नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ये जनरली एलिफेटिक कंपाउंड में काम करते हैं जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी दूसरा पॉइंट है दूसरा पॉइंट है न्यूट्रल <coughs> मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज मॉलिक्यूल कब तक जब तक कोई ड्राइविंग फोर्स ना आए वेन देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स अब ये ड्राइविंग फोर्स क्या होता है मुझे पता है आपके ये क्वेश्चन चलने लगा दिमाग में अरे ये ड्राइविंग फोर्स क्या आ गया ध्यान रखना न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू चार्ज मॉलिक्यूल्स से जब तक जब तक उस पर कोई ड्राइविंग फोर्स ना लगे मान लो ड्राइविंग फोर्स लग गया तो मॉलिक्यूल कुछ और चीजें अचीव कर लेता है जैसे फॉर एग्जांपल वो एरोमेटिसिटी अटेन कर लेता है क्या आप लोग जानते हो कि हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कैसे देखते हैं पता है आपको आ रही है हर किसी को किसी का है इंतजार आ रही है मतलब सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखते हैं एरोमेटिक करेक्टर फिर देखते हैं रेजोनेंस फिर देखते हैं हाइपर कॉन्जुकेशन फिर देखते हैं इंडक्टिव फैक्ट अब पता लगा हम रेजोनेंस तो देख रहे हैं लेकिन किसी मॉलिक्यूल ने एरोमेटिक के लिए पॉइंट है ध्यान रखना एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स ने मतलब रिंग वाले मॉलिक्यूल्स ने अपनी एरोमेटिसिटी अटेन कर लिया तो फिर ये वाला रूल फेल हो जाएगा जो हम लिख रहे थे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल मोर स्टेबल देन दी चार्ज अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कैसे हमें तो पता ही नहीं है तो चलिए देखते हैं कैसे देखना है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल है ये सेवन मेंबर रिंग है ये जो है वो सेवन मेंबर रिंग है ठीक है ये सेवन मेंबर रिंग है और ये देखिए फाइव मेंबर रिंग है अब पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग क्या ये रिंग टूटेगी या नहीं टूटेगी क्या ये रिंग टूटेगी या नहीं टूटेगी अच्छा जब टूटेगी तो टूटने का तरीका बताइएगा ए डायरेक्शन में टूटेगी या बी डायरेक्शन में टूटेगी देखते हैं कौन बच्चा बता रहा है इसकी जब टूटने की होगी तो यह किस डायरेक्शन में जाएगी ए डायरेक्शन में जाएगी या बी डायरेक्शन में जाएगी कौन बच्चा बताएगा जल्दी से बताओ कौन बच्चा बताएगा कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी कौन सी डायरेक्शन होगी जल्दी से टाइप करो फटाफट टाइप करो प्रतीक बता रहा है बी प्रतीक यही जीओसी है और बच्चे बताओ और बच्चे बताओ सोनाली बता रही है बी नोनी बता रही है बी नो 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 पता है आपको कौन सी रिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग है यही तो जीओसी है इसमें ही तो मजा आने वाला है क्योंकि जो आप सोचोगे वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा लेकिन हाँ अगर किसी बच्चे ने सारी क्लासेस ले रखी हैं तो उसकी बन जाएगी जीओसी बहुत स्ट्रांग यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो मास्टर बन जाएगा तो मास्टरी हासिल करने के लिए आपको हर क्लास लेनी पड़ेगी हर क्लास में आपको देखना पड़ेगा कि कहां टीचर क्या बोल रहा है और आपको क्या समझना है क्योंकि ये जीओसी कभी भी किसी बुक से नहीं की जा सकती ध्यान रखना किसी एक टीचर के अंडर में ही रह करके बढ़िया की जा सकती है तो आप देखिए छोटी रिंग कौन सी है छोटी रिंग जो होगी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग होती है और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है तो आप देखिए ये सेवन मेंबर रिंग है तो ये गड़बड़ आपने बोल दिया है बी नहीं होने वाला है आंसर होगा ए क्यों क्योंकि ये फाइव मेंबर रिंग है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग है और इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ अट्रैक्ट होंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग की तरफ तो देखिए अब इसका जो अब ये तो क्लियर हो गया कि भैया बी डायरेक्शन नहीं होने वाली अब जब बी डायरेक्शन नहीं होने वाली तो हम इसको तो हटाई देते हैं। अब ये कंफर्म हो गया कि ए डायरेक्शन होगी अब ए डायरेक्शन होगी तो ये बॉन्ड टूटे अब टूट करके क्या हुआ कि यहां मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से बन गया मॉलिक्यूल कुछ, कुछ इस तरीके से बन गया अब देखिए इस पे पॉजिटिव

मतलब हम तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा क्या हुआ स्टेबिलिटी को अटेन कर लिया जैसे आप देखिए करेक्टर हो गया क्यों क्योंकि ये पाई हो गए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और देखो इस रिंग में भी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब मॉलिक्यूल जो है इसने एरोमेटिसिटी अटेन कर ली और जैसा मैं आपको हर बार बोलता रहता हूं कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता है आ रही है मतलब सबसे पहले करैक्टर हमें देखना होता है अब इस मॉलिक्यूल ने क्या किया रेजोनेंस के थ्रू एरोमेटिसिटी और अटेंड कर ली और हम सोच रहे थे हम सोच रहे थे न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू चार्ज बट ये जो न्यूट्रल है वो अब कम स्टेबल माना जाएगा क्योंकि दूसरे वाले ने एरोमेटिसिटी अटेन कर ली है तो अब जो आंसर होगा स्टेबिलिटी का होगा ये तो मतलब आपको यहां पे देखना क्या है आपको ये देखना है कि पता लगा कोई रिंग वाले मॉलिक्यूल से और उसने चार्ज सेपरेशन हुआ उसमें तो चार्ज सेपरेशन के थ्रू एरोमेटिसिटी अटेन कर ली तो वो जो चार्ज वाला मॉलिक्यूल है ज्यादा स्टेबल माना जाएगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल वाला कुछ बात समझ में आगी? तो हम आज तो इतना ही करते हैं कल बहुत सारे क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे नाइन ओ क्लॉक ऐसे ही बने रहिए चैनल पे और कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदवीर सर के साथ ही करनी है पूरी डन ठीक है नेक्स्ट मिलते हैं कल बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और ये जो आपने नोट किए नोट सारे किए कल आप इस पेज को इस कॉपी को आ, सामने रखिएगा जिससे जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप आसानी से इजीली आंसर दे सके ठीक है कल बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं थैंक यू सो मच